हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार और आप सभी का स्वागत है मम्मस मैजिक पर। और आज मैं बनाने जा रही हूँ ऐसा ऑमलेट जो कम अंडों में भी आप बहुत सारा ऑमलेट बना सकते हैं, प्लस ये हेल्दी भी रहेगा और टेस्टी भी रहेगा, टेस्ट में भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो चलिए आज की रेसिपी हम फटाफट से देख लेते हैं। तो सबसे पहले जितने भी अंडों के आप ऑमलेट बनाने वाले हैं उतने अंडे ले लें। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही एग लिया है क्योंकि एक ही एग का मैं ऑमलेट बना रही हूँ। इसके बाद इसे तोड़कर हम एक बाउल में डाल देंगे। अब इसमें हम ऐड कर देंगे एक चम्मच बेसन, यानी एक एग में एक चम्मच बेसन, जो हम घर पे नॉर्मल चम्मच यूज़ करते हैं उससे मैंने यहाँ पे ऐड किया है। बहुत ज़्यादा बेसन ऐड ना करें। अब इसमें डाल दें कटी हुई हरी मिर्च और लहसुन। यहाँ पे मैंने एक से दो कटी हुई हरी मिर्च ली है और एक से दो कटी हुई लहसुन। एक चम्मच कटा हुआ प्याज इसमें डाल देंगे और एक चम्मच कटा हुआ टमाटर और एक चम्मच यहाँ पे ग्रेट किया हुआ कैरेट लिया है उसे भी हम इसमें डाल देंगे, जिससे हमारा ऑमलेट बहुत हेल्दी बनेगा। आप चाहें तो दूसरी सब्जियाँ भी इसमें ऐड कर सकते हैं ग्रेट करके। और एक चम्मच कटी हुई धनिया इसमें ऐड कर देंगे। अब इसमें हम डाल देंगे नमक स्वादानुसार। यहाँ पे मैं दो चुटकी नमक ऐड कर रही हूँ और दो चुटकी यहाँ पे हल्दी डाल दें और दो चुटकी यहाँ पे ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च का पाउडर, इसे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, और दो चुटकी गरम मसाला। ये सारी चीज़ें हम ऐड कर देंगे। अब इसमें एक चम्मच पानी डाल देंगे क्योंकि बेसन भी हमने डाला है और सब्जियाँ भी डाली हैं। इसे मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। तो मैं यहाँ पे फोर्क की मदद से अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे, यानी कोई भी गुठली ना रहे। अब एक तवा गरम करेंगे। आप चाहे तो नॉन स्टिक तवा ले सकते हैं, लोहे का तवा ले सकते हैं या फिर कास्टिंग आयरन तवा ले सकते हैं। तवा अच्छी तरह से गरम हो जाए उसके बाद हम इस पर बैटर स्प्रेड कर देंगे। बैटर डालने के बाद हम इसे एक ऑमलेट का शेप दे देंगे इस तरह से। अब आप चारों तरफ से थोड़ा सा तेल या बटर डाल दें। अगर आप लोहे का तवा यूज़ कर रहे हैं तो पहले ही थोड़ा सा तेल डाल दें ताकि वो चिपके ना। तो देखिए मैं अब यहाँ पे थोड़ा सा तेल ऐड कर रही हूँ। आप बटर डालेंगे तो और अच्छा टेस्ट आएगा। अब हमें दो से तीन मिनट एक साइड हमें पका लेना है, नीचे का जो लेयर अच्छी तरह से पक जाए उसके बाद इसे पलट दें। अब दूसरी साइड भी आप तेल या बटर डाल सकते हैं। तेल या बटर डालने के बाद दो मिनट उसे पका लेंगे। 2 मिनट पक जाने के बाद देखिए तो हमारा ऑमलेट इस तरह से दिखेगा। देखिए हमारा ऑमलेट बनके रेडी है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी ऑमलेट बना है और बहुत ही कम अंडों में आप इसे ऑमलेट बना सकते हैं। एक अंडे में से दो छोटे छोटे ऑमलेट मैंने यहाँ पे बनाए हैं, मीडियम साइज़ के ऑमलेट बनाए हैं। अगर घर पे कम अंडे हों तो आप बहुत सारा ऑमलेट बना सकती है और ये बहुत ही टेस्टी भी बनता है और हेल्दी भी है। आई होप आपको मेरी रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, कमेंट एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।